दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, जो कि 37,615 करोड़ रुपए का है। इस फ्रॉड को अंजाम दिया DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के CMD रहे कपिल वाधवान और निदेशक धीरज वाधवान के साथ साथ रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी कुल 6 कंपनियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने CBI को केस फाइल किया, जिसमें पता चला है कि DHFL पर 37,615 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी आरोप है। दरअसल DHFL ने 17 बैंकों के कंसोर्टियम से लोन लिया और इस कंसोर्टियम की सुनवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था, इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने DHFL के खिलाफ CBI को केस फाइल किया। दरअसल DHFL ने जो लोन दिया था उसका दुरुपयोग किया, जिससे उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टीज खरीदी।